कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए थे मेरे पास, मिडिल एजेड पेशेंट, उन लेट 40s में होंगे अपनी। और उन्होंने आके मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास दिल्ली में प्रॉपर्टी है, शॉप्स हैं, बड़ी गाड़ी है, और डॉक्टर साहब इतना पैसा है मेरे पास कि अगले 50 साल तक अगर ना तो मैं कुछ काम करूं ना मेरे दोनों बेटे कुछ काम करें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मुझे ये चिंता सताई जा रही है कि 51वें साल में जाके मेरा क्या होगा। ये अकेले ऐसे पेशेंट नहीं है, ऐसे पेशेंट अक्सर हम देखते हैं। इनमें से कुछ लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। लेकिन सवाल एक बहुत ही अहम ये उठता है कि अगर इतने पैसे वाले लोग भी परेशान हैं, इतने ज़्यादा संपन्न लोग, रिच लोग, वेल्दी लोग भी दुखी हैं, तो फिर हम सब आखिर पैसे के पीछे भाग क्यों रहे हैं? आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपने शायद अपनी फैमिली में देखा हो, अपने आप में देखा हो, बट आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये महीना है, और इसको प्रमोशन मिल जाती है या इसकी कंपनी चेंज हो जाती है, इसकी सैलरी मान लीजिए डबल हो गई, 1 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, तो ये जो व्यक्ति है, इसका जो हैप्पीनेस का लेवल था, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल था, कंटेंटमेंट का जो लेवल था, वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। चाहे सैलरी बड़ी भी हो जाए, चाहे गाड़ी नई भी आ जाए, चाहे घर बेटर भी आ जाए, चाहे फ़ोन अच्छा भी हो जाए, तो भी लोगों का हैप्पीनेस का लेवल बदलता नहीं है। वो उतने ही दुखी रहते हैं, वो उतने ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं जितना वो पहले थे। और अगर वो पहले से ही खुश थे तो वो वैसे ही रहेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द मनी। इनफैक्ट लोगों में ही नहीं, ऐसे कुछ रिसर्चेस भी हुई हैं। एक एक बहुत फेमस रिसर्च हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेके। उसमें पाया गया था कि 1950 से लेके 2000 तक अमेरिकन इकोनॉमी GDP लगभग 6 टाइम बढ़ गई, और एक एवरेज अमेरिकन की जो इनकम थी वो लगभग दुगनी हो गई, पर अमेरिकन्स के हैप्पीनेस के लेवल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये स्टडी अमेरिका में हुई थी, बट मेरे हिसाब से इस टाइप की स्टडी किसी भी कंट्री में की जाए, किसी भी लोगों में की जाए, तो ऐसा कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में फ़र्क मिलेगा नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? अगर अगर हम लोग सब लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, तो पैसा हमें खुशी क्यों नहीं दे पाता? इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, एक थ्योरी है जिसका नाम है हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी। अगर आप यूट्यूब करेंगे या फिर उसको गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा उसके ऊपर कंटेंट। तो हेडोनिक वर्ड का मतलब होता है प्लेजर। ट्रेडमिल आप जानते हैं, जिस पर रनिंग की जाती है, जिम में लोग भागते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल की थ्योरी कहती है कि हर व्यक्ति का हैप्पीनेस का एक रेंज होता है, और चाहे लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नया अच्छा इवेंट हो जाए या चाहे बहुत ही खराब इवेंट हो जाए, कुछ टाइम के बाद व्यक्ति उसी रेंज में आके वापस रुक जाता है। जैसे अगेन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप हैं, आप मान लीजिए महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं, 30,000 रुपये कमाते हैं, या फिर मान लीजिए 1 लाख रुपये कमाते हैं, और कुछ घटना घटती है, आपकी कंपनी चेंज हो जाती है, और सडनली आपकी सैलरी बढ़ा के 5 लाख रुपए पर मंथ कर दी जाती है, तो कुछ समय के लिए तो आप बहुत खुशी फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप नई गाड़ी खरीद लेंगे, आप एकदम नया आईफोन लेके आएंगे, आप नई टीवी ले लेंगे, शायद अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये जो चेंज है, ये जो हैप्पीनेस है, शॉर्ट लास्टिंग है। कुछ टाइम के बाद आप वापस उसी रेंज में आ जाएंगे जिसमें से आप उठे थे। अब आपको ये नया वाला जो फ़ोन है वो नॉर्मल लगने लगेगा, नई वाली गाड़ी नॉर्मल लगने लगेगी, और नया वाला टेलीविज़न भी नॉर्मल लगने लगेगा। तो यही है हेडोनिक ट्रेडमिल की थ्योरी, कि व्यक्ति घूम फिर के आप फाइनली उसी रेंज में पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि यदि ज़्यादा पैसे कमा के खुशी मिलती ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, तो फिर हम सब लोग भाग क्यों रहे हैं? क्या पैसा कमाना गलत है? क्या उसको रोक दिया जाए? और ऐसा हो क्यों रहा है? ज़्यादा पैसे से सेटिस्फेक्शन मिल क्यों नहीं रही है? इसका एक दूसरा कंसेप्ट आता है। हम लोगों को अक्सर लगता है कि अगर हमारे जो रियल वर्ल्ड है, जो रियलिटी है हमारे आसपास, हमारी जो मटेरियल पोजेशंस हैं, उनके अपग्रेड हो जाने से हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अगर आप किसी से पूछें, एक नॉर्मल अपने दोस्त से पूछें कि यार तुझे क्या होने पे खुशी मिलेगी, तो वो शायद बोलेगा कि यार मुझे एक बार जब SUV गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, या फिर मैं जब 2 बेडरूम के घर से 3 बेडरूम में हो जाऊँगा, जगह ज़्यादा होगी तब मैं इंजॉय करूँगा। तो हम लोगों को लगता है, इंसान को लगता है कि उसकी जो रियल वर्ल्ड है, रियलिटी जो है उसकी, जो मटेरियल पोजेशंस हैं, उसके ऊपर उसकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। बट असल में ऐसा है नहीं। असल में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपके मन की एक्सपेक्टेशन क्या है
और आपकी रियलिटी क्या है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जब मैच करती है तब इंसान को हैप्पीनेस महसूस होती है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच ना करने पे डिससेटिस्फेक्शन या अनहैप्पीनेस कंटिन्यू रहती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है, मैं गांव में रहता हूँ मान लीजिए, और मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास एक साइकिल आ जाए, और एक बार वो साइकिल आ जाएगी तो मैं पानी लेने के लिए चुपचाप से आराम से जा पाऊँगा और मैं खुश हो जाऊँगा। और आप मुझे साइकिल ला के अगर दे दें तो मुझे इमिडिएटली बहुत हैप्पीनेस का फीलिंग आएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि साइकिल आ गई, मेरी लाइफ ईजी हो गई। बट मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है, वो एक गाड़ी चलाता है, मान लीजिए एक सेडान गाड़ी चलाता है या फिर मान लीजिए एक एसयूवी गाड़ी चलाता है जो कि बड़ी गाड़ी है, पर उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उसको एक लग्जरी कार चाहिए, उसको बीएमडब्ल्यू चाहिए, जैगुआर चाहिए या फिर ऑडी चाहिए। तो ये जो दूसरा व्यक्ति है जो कि एक सेडान चला रहा है लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा एक बीएमडब्ल्यू की है, ये अनसेटिस्फाइड है, ये दिन भर भाग रहा है, ये दिन भर दौड़ रहा है, इसको लगता है कि वो ऑडी लाने पे या बीएमडब्ल्यू लाने पे वो खुश हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करें तो जो पहला व्यक्ति था, जो मैं था, जिसको साइकिल मिल गई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन कंपेरिजन टू दिस पर्सन जिसको कि ऑडी चाहिए और जिसके पास एक गाड़ी है अभी एसयूवी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जो ये सेकंड पर्सन है, अगर आप इसको सही में एक लग्जरी कार ला के बीएमडब्ल्यू ला के दे दें तो क्या उसके हैप्पीनेस का लेवल चेंज हो जाएगा? आमतौर पे नहीं, क्योंकि बीएमडब्ल्यू आते ही एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अब शायद इस इंसान को लैम्बॉर्गिनी चाहिए या फिर इसको कुछ और चाहिए, इसको बोट चाहिए, इसको एक बड़ा बंगलो चाहिए, और फिर फाइनली हम उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में मिसमैच हो गया। ये इंसान के मन की खूबी है, जैसे ही रियलिटी इंप्रूव होती है वो एक्सपेक्टेशन बदल देता है और वो गेम फिर से वहीं पे पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। तो अगेन वही सवाल, अगर ऐसा ही होता है तो क्या हम पैसे कमाने की इच्छा बंद कर दें, पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दें, क्या हम सब साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं? मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा करना भी सही नहीं रहेगा। देखिए, पैसे कमाने का भी एक फ़ायदा है, पैसे कमाने की इच्छा आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग लाती है। आप किसी वजह से जी रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, और वो आपको गोल देता है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक रीज़न देता है। अगर आपसे वो रीज़न भी छीन लिया जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी मीनिंगलेस लगने लगेगी। लेकिन पैसे कमाने की इच्छा को रैशनलाइज ज़रूर किया जा सकता है। और ये रैशनलाइजेशन कैसे करें, हम कैसे समझें कि कितना पैसा कमाना चाहिए? इसका जवाब आपको कोई स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई फिलॉसफी या फिर कोई गुरु दे ज़रूरी नहीं है। इसका जवाब शायद आपको आपके घर में या आसपास एक जो छोटा बच्चा है वो भी दे सकता है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे से, 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे से मान लीजिए पूछें कि तुझे कितने पैसे चाहिए, तो वो यूजली बोलता है कि 50 रुपये चाहिए या फिर 100 रुपये चाहिए। और आप उससे पूछें कि तुम करोगे क्या उन 100 रुपयों का, तो उसके पास एक प्लान होता है। वो बोलता है कि 10 रुपये की चॉकलेट लूँगा, 50 रुपये की वो टॉय कार आएगी और बाकी 50 रुपये का झूला झूलूँगा। उसकी जो डिज़ायर है पैसे की वो बेस्ड है किन्हीं चीज़ों के ऊपर, उसको वो 3 चीज़ें चाहिए, वो 100 रुपये की आती है तो उसको 100 रुपये चाहिए। बट जो हम लोग हैं, हम जो अडल्ट्स हैं, हम लोगों की दिक्कत ये है कि अगर आप एक अडल्ट से पूछे तुम्हें कितना पैसा चाहिए तो एक रैंडम फिगर बोल देगा। अगर वो 20,000 रुपये कमाता होगा तो बोल देगा 1 लाख चाहिए, अगर 1 लाख कमाता होगा तो बोल देगा 5 लाख चाहिए, और शायद अगर 5 लाख कमाता होगा तो बोल देगा 15 लाख चाहिए। वो ये नहीं देखता कि वो उन 15 लाख का करेगा क्या या फिर वो उस 5 लाख का करेगा क्या। वो एक रैंडम फिगर होती है, और क्योंकि वो रैंडम फिगर होती है इसलिए वो बदलती रहती है। तो फिर किया क्या जाए, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मन में ये बात आए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कमानी है, तो उस अमाउंट के साथ अपने आप से एक और सवाल पूछेगा कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आया कहाँ से। बेटर तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ के जब गोल सेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेट कर रहे हैं कि अगले साल तक मुझे इतना पैसा कमाना है, तो अपने आप से साथ में पूछिए कि मुझे अगले साल तक एक्चुअली चाहिए क्या। पैसे को भूल जाइए, पैसे तो नोट हैं, पैसे तो कागज है, पैसे का मकसद है कुछ उससे खरीदना। वो क्या खरीदना आप चाहते हैं उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप अपने आप से पूछते हैं कि इस साल के एंड तक मुझे क्या चाहिए, और आपके मन से जवाब आता है कि इस साल के एंड तक मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक फ़ोन चेंज करना है, मे बी एक लैपटॉप लेना है और एक फॉरेन ट्रिप करनी है। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं और आपके ये गोल्स हैं, तो इन चारों गोल को अचीव करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो डिफाइंड अमाउंट है, शायद वो अमाउंट 10 लाख हो। इन दैट केस आपकी लाइफ का गोल 10 लाख ही होना चाहिए, आपकी लाइफ का गोल एक मिस्टिकल मिथिकल 50 लाख नहीं हो सकता।
जब हम अपने लाइफ के गोल्स अपने रिक्वायरमेंट्स या डिज़ायर्स के बेसिस पे बनाते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिखता है कि साल के एंड तक क्या मैं एक नया फ़ोन खरीद पा रहा हूँ या नहीं खरीद पा रहा हूँ मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। और सेकेंड और ज़्यादा अच्छा फायदा कि जब आप अपने ये गोल बनाते हैं तो आप इरेलीवेंट गोल बनाने से बच जाते हैं। जैसे अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं और आपके मन में गोल आए कि मुझे साल के एंड तक कनॉट प्लेस में 5 दुकानें खरीदनी है, तो आपका दिमाग खुद ही आपको बोल देगा कि भाई एकदम प्राइम लोकेशन में 5 दुकानें खरीदने का विचार एकदम बेवकूफ़ी भरा है, ये गोल सही नहीं है, एक ढंग का गोल लगाइए। तो जब आप ये गोल बनाते हैं तो आपके गोल्स रियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक गोल्स की वजह से रियलिस्टिक अमाउंट आता है जो कि अचीवेबल होता है और आप उस हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। अगर आप उस गोल तक पहुंच गए तो फिर आपको वो चीज़ खरीदनी भी चाहिए, क्योंकि पैसे कमाते रहना समझदारी नहीं है। आप पैसे कमाते रहेंगे उस पैसे का करेंगे क्या, उसको एंजॉय कब करेंगे? क्या आप हैप्पीनेस को ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि बाद में खुश होंगे जाके, अभी भागते रहते हैं? तो ये एक सिंपल तरीका है अपनी हैप्पीनेस को कुछ लेवल तक अपने हाथों में लेने का, कि कम से कम मॉनिटरी गोल्स जो हैं वो डिफाइंड होने चाहिए और वो अचीव करने पे आपको वो करना है। अगर आपने साल की शुरुआत में बोला कि इतना कमा के आईफोन खरीदूंगा तो फिर आईफोन खरीदिए, गोल बदलते रहना और अमाउंट बदलते रहना बिना कुछ खरीदे डज नॉट मेक एनी सेंस। ये बात भी सच है कि सिर्फ मॉनिटरी सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं मिलती, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बट इस वीडियो में हमारा एम है मनी के बारे में बात करने का, और मुझे उम्मीद है कि इस एक बेसिक चीज़ को यूज़ करके शायद आप अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस है उसको अपने कंट्रोल में एक लिमिट तक ला पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।